पोस्ट ऑफिस में निरंतर सेवा हो रही है ब्रेक। पिछले माह की 31 तारीख से पोस्ट ऑफिस में आर्थिक और आरडी डिपार्टमेंट की लिंक फेल होने से जनता का आर्थिक लेन देन ठप पड़ा हुआ है, जिससे वो परेशान है। पिछले माह की 31 तारीख से हिंगनघाट की जनता निरंतर पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटते दिख रही है, लेकिन फेल होने के कारण जनता को आर्थिक लेन देन किस प्रकार किया जाए, ये समस्या खड़ी हुई है। एक सप्ताह से आर्थिक लेन देन ठप पड़ा हुआ है। अनेक चक्कर लगाने के बाद में भी लिंक फेलियर होने से ना ही पैसे डाले जा रहे और ना ही निकाले जा रहे हैं। इससे क्षेत्र के अनेक किसान भी आर्थिक संकट से जूझते हुए दिख रहे हैं। अभी किसानों को पैसे की आवश्यकता है, तब पैसा कहां से लाना है, ये प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ है। बीएसएनएल द्वारा दिए जाने वाली सुविधा बीएसएनएल नहीं दे रहा, इस कारण लिंक फेल हुई है। इस बारे में हिंगनघाट पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अनीता वानखेड़े से बात करने पर उन्होंने बताया कि जनता तकलीफ में है, हम समझ रहे हैं। हमारे ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएसएनएल लिंक केयर से हम संपर्क में हैं, इसकी जानकारी वरिष्ठों को दी गई है। लिंक सुचारू होते ही हमारी सेवा निरंतर हो जाएंगे, इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया। हाँ, लिंक 12 दिवसापासून इतने वरिष्ठ लोक येते आणि वापस जाते आणि 4 महिने झाले जवळपास। पुस्तकं आम्हाला किती पैसे आहे काय हे माहीत नाही पडत, एंट्री 4 महिन्यापासून बंद आहे, पाटी लावून आहे। 4 महिने झाले मला पासबुक भेटत नाही आहे आणि लिंक बी राहत नाही, 1.5 महिना झाला लिंक नाही आहे, येऊन वापस जावं लागते आम्हाला। एंट्रीला 4 महिने झाले बंद आहे, एंट्रीला 4 महिने झाले आणि आम्हाला येऊन जाऊन वापस जावं लागते। आम्हाला कामधंदे सोडून आम्हाला इतर 2-2 घंटे 3-3 घंटे राहावं लागते, बस अशीच आमची इच्छा आहे। 21 तारखेपासून साधारणतः पैसे काढायसाठी टाकायसाठी येतात, पण लिंकचाच प्रॉब्लेम चालू आहे। तिथं विचारणा केली असता ते लोक म्हणतात का बा आमचाच प्रॉब्लेम नाही, हा भरून असा आहे, सिस्टीमचा प्रॉब्लेम आहे। तर सिस्टीमच्याबद्दल मी विचारणा केली का बा म्हटलं किती दिवसाचा त्रास सहन करायचा, किती वेळ यायचं बा, तर ते म्हणते जोपर्यंत भरून तिकडून होणार नाही चालू तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही। जेव्हा चालू होईल तेव्हाच तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल मिळेल, पैसे काढण्याचे किंवा तुम्हाला टाकायचे असं। आता यांचं सिस्टीम कधी चालू होते आणि कधी यायची प्रशासन किंवा ऑफिशियल वर्किंगमध्ये कधी येते डेली बेसिसमध्ये येते आता माहीत पडलं, आता किती दिवस यांचं चालतं असं सिस्टीमचा प्रॉब्लेम। हिंगनघाट से NBCN न्यूज के लिए रवि यनोरकर की रिपोर्ट।